ये देखिए फ्रेंड्स, पानी के साथ हमारी चीनी मेल्ट हो चुकी है। पनीर को हमने पहले इसलिए नहीं डाला क्योंकि वो चुई हो जाती है। अब हम इसमें पनीर को डालेंगे और डेसिकेटेड कोकोनट को डालेंगे और हम बना रहे हैं पनीर कोकोनट लड्डू। तो चलिए अब हम इसमें पनीर डालेंगे, उसके बाद कोकोनट डाल के लड्डू बनाएंगे। अब हम इसमें कोकोनट मिक्स कर रहे हैं। कोकोनट को अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद हम लड्डू तैयार करेंगे।